नाजरीन ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं। बहुत ही ज्यादा आज का जो प्रोग्राम है उसका आउटकम आने वाला है, क्योंकि आज पहली मर्तबा कोई पंजाब का जो चेयरमैन है प्राइस कंट्रोल कमेटी का वो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। कोई प्रोटोकॉल नहीं है, अकेले आए हैं, अपने ड्राइवर के साथ आए हैं, ड्राइवर गाड़ी में है और ये हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और लोगों की बातें भी सुन रहे हैं। और हम आज यकीन इस बात पर थोड़ा सा हो रहा है कि शायद आज के प्रोग्राम के बाद जो नेक्स्ट मीटिंग है उस्मान बुज़दार साहब के साथ, अकरम साहब ने हमारे प्रोग्राम की टीम को भी बुलाने के लिए दावत दी है कि आप भी आइए और बताइए कि किस तरह से हम अपनी तजावीज़ दे सकते हैं कि जो लोग हैं वो लिस्टों के मुताबिक चीज़ें खरीद सकते हैं। तो ये पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि कोई चेयरमैन जो है वो इस तरह से ज़मीनी हकाइक को मालूम करने के लिए प्रोग्राम में शिरकत किए हुए। सर, ये आप इस बारे में कुछ कह रहे थे, पाए यहाँ पे मिल रहे हैं, लाहौरी नाश्ता करते हैं बोंग पाओ का, और ये कुछ आप कह रहे थे इसके हवाले से। मैडम, ये इसका जो हेल्दी प्रोसीजर है ना, इसे आग के साथ बर्न करते हैं, लेकिन ये नहीं हुए हुए, ये केमिकल के साथ साफ हुए हुए हैं और ये हिफ्जाने सेहत के लिए इंतहाई नुकसान दे। सब माजद के साथ पता सब कुछ आपको है? मुझे पता है, मैं देखिए मैं इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कौन करे, मैं क्या काम कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं कोशिश कर रहा हूँ लोगों में अवेयरनेस पैदा करने की। देखें, ये टू वे ये काम है, लोगों को भी करना है, बेचने वालों को भी और ख़रीदने वालों को भी, हमने भी इम्प्लीमेंट करवाना है। लेकिन अगर हम ये सब इससे मुत्तफिक हो जाएं कि हमने गलत काम नहीं कर रहा, तो हम शायद बेहतर करने में कामयाब हो जाएंगे। डंडे के साथ जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, वो मेरे जाने के बाद ख़त्म हो जाएगी। कुछ शहरी हैं हमारे साथ, शहरी हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। ये दुकानों पे चीज़ें महंगी हैं जितनी दुकानें हैं, ठीक है ना, रेडियो पे कुछ सस्ती हैं चीज़ें, ठीक है ना, बाकी सारी महंगी हैं। और अगर किसी को वो कहा जाए रेट लिस्ट दिखाओ या कोई चीज़ कोई कागज़ दिखाओ, तो आगे से कहता है आपको उससे क्या लेना देना है, लेनी है ले वरना रास्ता ना पे, वरना रास्ता ना पे। सर जी, मैं समझता हूँ कि इसके निज़ाम को मैकेनिज्म को तब्दील करने की ज़रूरत है, और मैं आपके प्रोग्राम में इस बात का वादा करता हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हम इस मैकेनिज्म में बेहतरी ला सकें। लेकिन मेरे बस में जितना काम होगा। शहरी ने सब्जियाँ कितनी ज़्यादा ली हैं? शहरी ने मुझे ये बताएं, टमाटर किस तरह लिए आपने? ये 60 रुपये किलो। 60 रुपये टमाटर लिए मैडम उसने। और ये लेमन किस तरह लिए? 30 रुपये पाओ। 30 रुपये पाओ लिए। अदरक? अदरक 60 रुपये पाओ। 60 रुपये पाओ। अब मैडम देखें, बात ये है, ये मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, अदरक सरकारी नरखों से बहुत महंगी ली है इसने, टमाटर सरकारी नरख 70 रुपये हैं, इसने 60 रुपये लिए हैं। हमारे यहाँ आप उसका दर्जा भी देख लें, छोटे और दागी टमाटर बदरी सा रहे हैं, इसी सरकारी लिस्ट को चैलेंज कर रहे हैं कि टमाटर कहीं पे महंगे मिल रहे हैं, कहीं पे इसी सरकारी लिस्ट से जो है वो उसका दर्जा भी देख लें, वो कम दर्जे वाली सब्जी है। उसकी वजह ये है कि ये टमाटर भी वही काम करेगा जो मोटा टमाटर काम करेगा। एक मिनट प्लीज, सोसाइटी को इस एहसासे कमतरी से निकालें। अगर वो दुकानदार को ये इख्तियार दें कि वो 1 किलो अपनी मर्जी से ही डाल दे, उसमें 4 मोटे जाएंगे, 4 छोटे जाएंगे, 4 दरमियाने जाएंगे, तो मेयारी निर्ख मिलेगा। लेकिन जब हम एक एक टमाटर चूज़ करेंगे तो उसकी पूरी बास्केट को ख़राब करेंगे, फिर मैं दुकानदार के साथ खड़ा हो जाऊँगा। ये छोटे वाले टमाटर हैं तो ये तो मिलते ही इतने के हैं। और ये टमाटर भी जो हैं ये नाकस हैं, मतलब आप अगर देखें तो इसको अगर कहा जाए जो मंडी की टर्मिनोलॉजी है, ये दागी टमाटर हैं, ये कोई मेयारी टमाटर नहीं है। हिफ्जाने सेहत की बात कर रहे थे अभी चोई साहब, तो ये भी तो खाने पीने की अशिया में आती है, कोई दाग नहीं है, मैंने रैंडमली निकाला है। लेकिन चलिए, अच्छा ये आगे बढ़ते हैं, हम शहरी हैं, आप जो महंगाई का दौर चल रहा है इसमें आप जिंदगी आसानी से गुजार रहे हैं, बहुत मुश्किल हो गई। इनको ये पीटीआई के हैं, उस्मान बुज़दार के मशीर हैं, ये भले किसके भी हों, इनको मैसेज दे दे, पैगाम दे दे, पैगाम दे दे। ये आम आदमी के लिए गुजारा बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि जैसे जैसे क्या चाहते हैं आप? यही चाहते हैं कि कुछ जिंदगी आसान हो जाए, और क्या चाहते हैं? मैडम, अगर आप मेरे से फिर सियासी सवाल का जवाब नहीं मिला, रमजान आने वाला, उससे पहले महंगाई हो गई है, कल दालें महंगी हो गई हैं, सब्जियां महंगी हो गई, आया नहीं और ये हालात है। जब रमजान आएगा तो तब तो आग लग जानी है हर चीज। हम अकरम साहब से इसका जवाब लेते हैं। मैडम, ये जो है ना हमारा कल्चर है कि हम रमजान को एक महीना अपना समझते हैं
हालांकि लोग ये कहते हैं कि 11 महीने दुकानदार के, एक महीना अल्लाह के नाम पर भी बेहतर काम करे। हम नहीं करते, हम उसी महीने हुकूमतें करवाती हैं, हुकूमतें नहीं करवाती। अभी से देखेंगे आप सेब और केला जो है ना गोदामों में पुश करना शुरू कर दिया। ये इंसान का अपना भी कोई जमीर होता है। केला केला तो पेरिशेबल है, उसको कैसे स्टोर कर सकते? कच्चा केला आ रहा है और उसको स्टोरेज में लेके जाया जा रहा है। हाँ, वो इंडियन केला जो है ना हम स्मगल भी तो करके लाते हैं ना। देखें अब आपने ही करवा, ये जो आप तमाम मतलब के बता रहे हैं कि जखीरा अंदोजी भी हो रही है, जो है उसके अलावा मुनाफाखोरी भी हो रही है। हो रही है, मुनाफाखोरी नहीं हो रही, नाजायज मुनाफाखोरी हो रही है। जफर मौज कहाँ पे है? मेरे वो भाई क्या काम कर रहे हैं? मदनी साहब पूछे उन लोगों को। एक्सक्यूज मी, हरी मिर्च सबसे सस्ती थी जो इस टाइम पे 100 रुपए पाव होगी, और इतनी महंगी होगी, इतनी महंगी हो गई है, क्या गरीब आदमी क्या कर सकते? देखे मैंने आपको टमाटर की रीजन बताई थी, आपको याद होगा, उस दिन 150 रुपए या 200 रुपए बिक रहा था, आज 70 या 80 या 90 रुपए बिक रहा है। कई नेचुरल प्रॉब्लम है, और उसी तरह हमें आज ये हुकूमत तब मिली है जब 38 साल से मुल्क का आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, गरीब भी बिगड़ा हुआ है, अमीर भी बिगड़ा हुआ है, सरकार भी बिगड़ी हुई है, बड़े लोग भी बिगड़े हुए। साहब ने, चौधरी साहब ने इनको बिगाड़ दिया है। जब पहली हुकूमत थी ना हमारे रेलवे में इतना मटेरियल था इंतहा मटेरियल का, अब हुकूमत आई मटेरियल है ही नहीं। कौन सा मटेरियल? ये रेलवे, रेल का साद रफीक के दौर में इतना मटेरियल था, ने डाटा अनाउंस किया कि शायद 3 बिलियन का एक्स्ट्रा रेवेन्यू अर्न किया, मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, मैंने अखबारी खबर पढ़ी है, उन्होंने अनाउंस किया कि मैंने 3 बिलियन पिछले साल से खसारा कम किया। अच्छा चलिए अब आगे चिकन की भी बात कर लेते हैं। सर चिकन की शॉप पे हम यहाँ चलते हैं, अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा जो चिकन के प्राइस हैं वो जो लिस्ट है इसके ऊपर कुछ और होते हैं, ये ऊपर नीचे जाते रहते हैं, इसके ऊपर से क्या कहेंगे? ये कभी जो है अपने तौर पर कम भी कर लेते हैं और प्राइस लिस्ट में महंगे होते हैं। लेकिन मैडम मेरा सवाल और है, क्या ये सेहत के लिए हेल्दी चिकन है? क्या ये फूड अथॉरिटी को आके अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करनी चाहिए, और अगर उसके बाद इनको बंद कर दें? साहब ये सवाल हमारा आपसे है, अगर आप इसके ऊपर जो है अगर इसे बंद कर देंगे तो आपका आधा पाकिस्तान यही कुछ कर रहा है। तो भाई आप मेरे से सवाल जरूर करें लेकिन इनको भी समझाएं, इनकी अच्छा, कोई जिम्मेदारी अच्छा, अकरम साहब मैंने एक प्रोग्राम किया था तो लंचन मार्केट में, जहां हमारा पूरा लाहौर नहीं बल्कि पूरा पंजाब जहां से मुर्गी खाता है, उसकी क्लिप आपके मोबाइल में है? जी है, बड़ा आपके आपके वजीर से मैंने बात की थी। मैंने तो उस मार्केट में मैंने ही विजिट किया था, और उस दिन मैंने ये अहद किया था कि मैं तो अपने बच्चों को ये चिकन नहीं पेश कर सकता। ये अब आपकी हुकूमत है, आज भी कह रहा हूँ, और मैंने वहीं पे खड़े होकर डीजी फूड को कैप्टन उस्मान को फोन किया था, और मैंने उसे कहा था कि ये बायस शर्म है कि हम अपनी कौम के बच्चों को ये अस्पताल आबाद करने के लिए ये चिकन दे रहे हैं। आई उन्हें शर्म? अभी तक तो नहीं आई। मैं बिल्कुल इसका जवाब दे कौन है? इसका जवाब दे वो कैप्टन उस्मान है जिसके पास इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। हुकूमत आपकी है? हुकूमत हमारी है, मैंने इमीडिएट अपनी जिम्मेदारी पूरी की ऑन स्पॉट मीडिया के सामने, और मैं समझता हूँ उन्हें इस तरह के गैर कानूनी इकदाम को फिल फॉर रोकना चाहिए। अकरम साहब हमने सिर्फ बातें नहीं करनी है, हमने रोकना है। तो रोकेंगे इंशाल्लाह, और मैं दोबारा उनके साथ मिलूंगा, और बल्कि अगर आप मेरी मदद करें, मेरे साथ चले, हम एक ज्वाइंट सेशन उनके साथ करते हैं। हमारी खिदमत हमेशा आवाम के लिए हाजिर है। आप जाने के लिए, उनके साथ गुफ्तगू करने के लिए, और उस पे अमल दरामद करवाने का यकीन आपको दिलाते हुए आगे बढ़ूंगा इंशाल्लाह। अब ये जो चिकन है आप लोगों से हम बात करना चाहते हैं। हाँ, क्या आपके मसाइल हैं जो आपको लिस्ट दी जाती है, सुबह 20 रुपए की बेची जाती है, उसके मुताबिक चिकन आपके लिए बेचना मुमकिन है या नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या आपको पीछे से उस रेट पर चिकन मिल रहा है जो आपको फोर्स किया जाता है कि आप लिस्ट के मुताबिक चिकन बेचें? ये अकरम साहब हैं, ये चेयरमैन है प्राइस कंट्रोल कमेटी पंजाब के, आपने अपनी जो फीडबैक है इनको देना। ये मसला पता क्या है, ये सारे दुकानदारों का मसला है, जो जरा सा गा कम होता है तो उसकी वजह से रेट 10 रुपए कम कर देते हैं। ये दुकानदारों को कहना चाहिए कि ये प्राइस एक रखें। अच्छा। कोई किस तरीके से बेचता है, कोई किस तरीके से बेचता है, उसकी वजह से जो रेट का जो मसला है ना वो कम ज़्यादा लिखा होता है। मगर हम रेट लिस्ट से, हमारी कोशिश होती है कि मार्केट में बैठे हुए हैं, इससे हम कम प्राइस पे जो है ना सेल करें। अच्छा।
क्या कहेंगे? देखें, ये जो चिकन का मामला है ना, चिकन पे तो मैं बहुत रिजर्वेशन शो कर चुका हूँ कि इसको ओपन ऑक्शन जो लाहौर की चार मंडियाँ ना वहाँ पे होना चाहिए, लेकिन इसका रेट अभी इन्होंने एक मैकेनिज्म तय किया हुआ है कि सारे जो प्रोड्यूसर है ना वो आपस में रेट तय करते हैं और एक साथ रेट अनाउंस करते हैं। अच्छा। उसकी वजह से ये रेट का प्रॉब्लम है, जिसके पास थोड़ा चिकन ज्यादा आ जाता है वो रेट कम कर देते हैं। ये बात हम भी अपने प्रोग्राम में हाईलाइट कर चुके हैं कि चिकन का जो रेट है वो ये जो प्रोड्यूसर्स हैं चिकन के वो व्हाट्सएप ग्रुप में डिसाइड करते हैं कि क्या होना चाहिए, और ये बिल्कुल गलत है और इस पे बिल्कुल हमारी डिबेट जारी है। हम इसको ओपन ऑक्शन में लेके जाएंगे। ठीक है। अच्छा अकरम साहब जो है वो तमाम चीजें ईमानदारी के साथ मान भी रहे हैं और उसको तब्दील करने की यकीन दहानी भी साथ साथ करवा रहे हैं नाज़रीन, क्योंकि ये प्रोग्राम आपके लिए है और आपकी शिकायत के जो दरवाजे हैं हमारे लिए खुले हैं। आपके साथ भी इस किस्म के लिस्टों के हवाले से और कीमतों के हवाले से कोई मसाइल हैं तो आप प्रोग्राम टॉप स्टोरी के पेजेस को या मेरे पेजेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं और अकरम साहब जो हैं वो भी इस चीज़ को ऑन करते हैं कि अगर आवाम कोई शिकायत करती है तो वो उसके ऊपर मुकम्मल एक्शन लेंगे। अच्छा सर, कितनी देर लगेगी, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में जब आपसे मुलाकात हुई थी तो आपने हाल ही में चार्ज संभाला था, अब आपको कितनी देर लगेगी ये जो तब्दीली लाने बेहतरी लाने में जो मैकेनिज्म है उसको तब्दील करने में और इनहांस करने में? देखिए, मैं तो रोजाना की बुनियाद पे कोई ना कोई चेंज कर रहा हूँ। अच्छा। कोई ना कोई बेहतरी जरूर आती जा रही है। क्या बेहतरी आई? देखिए, अभी तक बेहतरी ये आई है कि आज मिसाल के तौर पर अगर हम मार्केट में टमाटर देख रहे हैं तो उसके रेट्स में थोड़ी सी रवानी आ गई है। ठीक है, 10 रुपये का ऊपर नीचे का फर्क चल रहा है और वो बेहतर होता जा रहा है। अच्छा। इसी तरह चिकन को हमने कोशिश कर ली है और चिकन का रेट जो काफ़ी तेज़ हो गया था अब वो बेहतर हो गया है। अभी मैं प्रोड्यूसर्स के साथ मिल रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ों के निरखों को थोड़ा बेहतर कर लें और मार्केट में, सच्ची बात मैं आपको बताऊँ, हम अवेयरनेस का काम कर रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि ये ना इन पर छापे मारें ना इनको मजिस्ट्रेट आके तंग करें, सिर्फ इसलिए कि हम इन निरखों को नुमाया तौर पे सही करने में कामयाब हो जाएं। एक और शहरी से इजाजत है, आपकी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कितनी जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गई है महंगाई के इस दौर में? महंगाई तो यकीनन है, जरूर है, लेकिन वो गरीब आदमी के लिए है, अमीर आदमी के लिए तो कोई महंगाई नहीं है। कुछ कहेंगे इनको आप? नहीं, ये तो इनके अब ड्यूटी है, इनको कंट्रोल तो करना चाहिए ना। कंट्रोल करने वाले वो खुद ही कोई तवज्जो नहीं होती, यहाँ पे कोई प्राइस कंट्रोल है ही नहीं, किसी के पास प्राइस लिखी है आप देखें इस दुकानों के ऊपर, कोई रेट्स नहीं है, कोई प्राइस नहीं है, जो जिसका दिल करता है वो रेट लगाता है। रेट तो लिखे होने चाहिए ना, लिस्ट वो लगी हुई है, वो लिस्ट किसी को नजर नहीं आती। हाँ जी, बात दुरुस्त है, और वो सर को देख के ही लिस्ट बाहर आई है। हाँ जी, वो उसमें क्वालिटी नहीं होती, वो अगर वो लिस्ट लेंगे ना लगी होगी वो क्वालिटी ही होगी जो लिस्ट पे चीज होगी, फिर भी कम्प्रोमाइज कर लिया जाता है। मैडम, ये तो बिल्कुल ठीक बात है, ये तो क्योंकि हमारी ये जो निरखें हैं ना, मेरे ख्याल चीजें आप मानते जा रहे हैं, मैं मान नहीं रहा हूँ, है ही ऐसा, मैं कैसे कह दूँ आपको कि ये लिस्ट के मुताबिक सौदा मिल रहा है, नहीं मिलता, मैं तो खुद आपके साथ खड़ा हूँ। आप बशीर वजीर आला पंजाब है, मुशावरत आप करेंगे? वजीर आला ने 38 साल की बीमारियाँ 38 दिन में खत्म नहीं कर रही, ये पूरा हवा का हवा बिगड़ा हुआ है मेरे समेत, हम सब ने मिल के एक दूसरे को ठीक कर रहे हैं। तक ठीक करेंगे, खुद लग जाएंगे 10-15 साल, शुक्र करें अगर हम 10-15 साल में अपनी कौम की सिम्मत का तय्यून कर लें और उसे ठीक कर लें तो अल्लाह की कसम ये बड़ी खिदमत होगी। हाँ, ये रेल लिस्ट ही अगर हम ठीक कर लें तो कौम खुद ही ठीक हो जाएगी और ये कौम का काम, अगर हम जिम्मेदारान का काम है जो इसकी प्राइस जो है लेंगे ना, मैं कहता हूँ ये रेट लिस्टें नहीं होनी चाहिए, डिमांड और सप्लाई के मैकेनिज्म में कोई कंट्रोल नहीं हुआ करता। आप ये 25 आइटमों की हम लिस्टों के ऊपर लड़ रहे होते हैं, 4000 निरखों पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो लोग अपनी मर्जी से बेचते हैं, ना कोई उस पर शक करता है ना कोई शिकवा करता है, तो आए मिलके ये कोशिश करते हैं ये निरख भी खत्म कर दें। हम तो निकले हुए हैं आपको आपके साथ, आए मिलकर हम कोशिश करते हैं कि ये निरख जो है इनको कंट्रोल किया जाए, जो प्राइस है उनको कंट्रोल किया जाए। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, बहुत होगा, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया मदनी आज के प्रोग्राम, और आज आप तमाम आवाम का बहुत शुक्रिया, दुकानदारों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने ईमानदारी के साथ
तमाम चीजें जो हकायक पर मबनी थी वो सामने लेकर आए हैं और तब्दीली ये लोग भी चाहते हैं, बेहतरी ये लोग भी चाहते हैं, जिसकी वजह से तमाम तर बातें जो हैं खुलकर सामने आई हैं। नाज़रीन, उम्मीद है कि जो अकरम चौधरी साहब की नेक्स्ट मीटिंग होगी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के साथ, उसमें ये तमाम चीज़ें शामिल होंगी और इसमें बेहतरी ज़रूर आएगी, ऐसा उम्मीद कर रहे हैं। अगर बेहतरी नहीं आई तो हम हाजिर हैं, प्रोग्राम टॉप स्टोरी दोबारा इस इशू पर होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान पाइंदाबाद।